Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Murtaza. Dear students, this is an honor for me that I am talking to you. Rather, I am going to deliver you a lecture, and in this way, I would have very good interaction with you. 30 years experience I have bagged. 30 years. 30 साल का मेरा experience है English पढ़ाने का. और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है, इज़्ज़त, मैं इसको इज़्ज़त का बात समझता हूँ कि मैं इस मुकद्दस पेशे से गुज़श्ता 30 साल से वाबस्ता हूँ. और मैंने आप जैसे, ये कहा जा सकता है कि हज़ारों तलबा और तालिबात को मैंने पढ़ाया है. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये जो फ़र्क समझना है स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ. स्कूल लाइफ में एक पाबंदी होती है, असाज़ा के रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इदारे की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. कॉलेज उसके मुकाबले पर एक आज़ाद माहौल होता है, इन अ सेंस कि यहाँ पे कोई मारपीट नहीं होती, कोई तशद्दुद, जिस्मानी तशद्दुद नहीं होता. और इस तरह से, और वो तालिबात जो पढ़ने का शौक़ रखते हैं, असाज़ा उनके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम रखते हैं. मैं जो आपको लेक्चर देने जा रहा हूँ, वो भी इसी हवाले से कि जब आप अच्छे तरीके से मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि मैंने जो लेक्चर आपको दिया, अगर आप उसे सही तौर पे परसेप्ट कर लिया, समझ लिया, फिर आप अपने आप से सवाल करके देखें, जिसे कहा जाता है सेल्फ क्वेश्चनिंग, अपने आप से आप सवाल करके देखें कि क्या कि सर का दिया हुआ लेक्चर हमने सही तौर पर उसे परसेप्ट कर लिया या नहीं किया. अगर आपने सही तौर पर उसे समझ लिया है, परसेप्ट कर लिया है, तो फिर आप अपने अल्फाज में भी बड़े खूबसूरत तरीके से के साथ उसे लिख सकते हैं. तो और ये इस चीज़ को आपने जहन में रखना है कि जब तक किसी स्टूडेंट को अपनी ज़ात का, ज़ाती तौर पर जिसको ये एहसास नहीं होता कि मैंने खुद, आपको जब तक शौक नहीं होगा पढ़ने का, आपके अंदर जज्बा पैदा नहीं होगा, आपको कोई लाख पढ़ाने कामयाबी नहीं मिल सकती है. यू नो इट वेरी वेल कि आपने खुद अपने अंदर यह जज्बा पैदा करना है. बेटा, बात एक बात याद रखिएगा, वो कहते हैं कि इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं है. और इज्जत अल्लाह ताला उसी को देते हैं जो उसके लिए मेहनत करता है, शौक रखता है, लगन, कुर्बानी. ये इज्जत जो है कुर्बानी मांगती है. FCPS डॉक्टर्स होते हैं, या एयरफोर्स में चले जाए तो वहां पर पायलट्स हैं, जहाज उड़ाने वाले पायलट्स हैं. किस वजह से इन्हें इज्जत मिलती है? या कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, क्यों इनको इज्जत मिलती है? इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, क्यों इनको इतनी इज्जत मिलती है? उन्होंने अपने वक्त की, अपने आराम की कुर्बानी दी होती है. जब कुर्बानी इंसान देता है तो फिर रब ताला कभी भी उस इंसान को दुनिया की, आखिरत की इज्जत से महरूम नहीं करते. और आपने अपने साथ ये अज़्म करना है, अपने साथ ये अहद करना है कि मैंने बकिया जो पिछली ज़िंदगी थी, जैसे गुजर गई गुजर गई, अब आगे का जो वक्त है वो आपने इस अंदाज से गुजारना है कि आपको पता चले कि मैं वाकई जो मैंने अपने साथ अहद किया है, मैं उसको अदा कर रहा हूँ, उसको पूरा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. तो ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं किताब उठाऊं और लेक्चर शुरू कर दूं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये मैं, आई वुड नॉट बी डूइंग जस्टिस विद माई जॉब. ये इंसाफ नहीं होगा अगर मैं ऐसे ही कर लूँ तो. किताब उठा के तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन आपको पढ़ाने का इस अंदाज से जो बाद में पढ़ाने का सिलसिला आएगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना ये मकसूद है बेटा कि आपने अज़्म करना है, हर एक एक बात, हर एक एक चीज़ पर कंसनट्रेट करना है. जो लोग दफा वक्ती से काम लेते हैं, चलो अच्छा यार अभी तो इंजॉय कर लें, अभी तो सो लें, अभी तो गपशप कर लें, अभी तो घूमने चले जाएं, अभी तो मोबाइल पे वक्त गुजार लें, उनको कामयाबी नहीं मिला करती. कामयाबी किसे मिलती है? जो अपने वक्त की कदर करता है और बड़ों की इज्जत करता है. वो बड़े चाहे कोई भी हों, वो घर के हों या घर से बाहर के हों, इज्जत उन्हें मिला करती है. ये थी एक जनरल जो बात मैं आपसे करना चाहता था, ये बात मेरी खत्म हुई. अब मैं अपने कोर्स की तरफ आते हुए, इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं उससे पहले ये चाहता हूं कि आपको मैं कोर्स की तरतीब बता दूं
कि किस किस तरीके से आपने इसको आपका पेपर किस तरीके से बन के आएगा, उसकी बॉक्स की डिवीजन कैसे होगी, ये तरीका आपका जो है वो आपने जहन में रखना है। तो इस हवाले से आपको ये बता दूं कि सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि यू नो इट वेरी वेल कि 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होना है, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का पोर्शन होना है। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स, पहला सवाल। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये देखें कि आपकी 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स आर देयर। एक पहली जो किताब है फर्स्ट ईयर की आपकी बुक 1, बुक 1 का जो पोर्शन है उसमें 12 नंबर का बुक 1 से 12 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, 12 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। और 2 बुक आपके पास, बुक 1 और बुक 3, बुक 2 आप पार्ट 2 में जाके पढ़ेंगे। बुक 1 में 12 मार्क्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 आता है जिसमें प्लेज हैं, प्लेज 3 प्लेज हैं जिनको आप ड्रामा कह सकते हैं या प्लेज कह दें, वट एवर यू नेम इट। तो इसमें 3 प्लेज हैं, उनमें से जो सवालात आएंगे वो होंगे ये प्लेज, उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और ये बुक 3 में से प्लेज होंगे। बुक 3 में एक पोर्शन है प्लेज का और एक पोर्शन है पोएट्री का। और क्वेश्चन नंबर 4, पोएट्री, इट कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स, अब यहां तक देखें आप 20, 12, 10 एंड 8, ये हो जाते हैं 50 मार्क्स, यहां तक हो जाते हैं 50 मार्क्स। फिर इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन है जिसे हम कहते हैं सेक्शन 2, सेक्शन 2, सेक्शन 2 में लेटर और एप्लीकेशन, लेटर और लेटर और एप्लीकेशन मार्क्स 10, 10 नंबर का लेटर करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे। फिर आ जाता बेटा स्टोरी जो कि कंपलसरी है, स्टोरी जो है वो भी 10 मार्क्स की है। और फिर आ जाता है जनाब रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट का सवाल है जो कि 5 नंबर का है, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, ये सिर्फ इट कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स, इसके 5 नंबर होंगे। फिर इसके बाद आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन नंबर, इसका ये ए पार्ट है और इसका बी पार्ट आता है वो है पंक्चुएशन,
इसके भी 5 नंबर होते हैं जी। ठीक हो गया। फिर आते हैं इसका सी पोर्शन। सी पोर्शन में है पेयर ऑफ वर्ड्स, पेयर ऑफ वर्ड्स ये भी 5 नंबर के होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, इसके 15 मार्क्स हैं। ये तरतीब आपके सामने आ गई। दोबारा आप किसको देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव पोर्शन 20 मार्क्स का, बुक वन में से जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, बुक वन में से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 12 मार्क्स, 10 मार्क्स के प्लेज में से 3 प्लेज हैं, उनमें से 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, पोएट्री में से 8 मार्क्स, फिर सेक्शन बी लेटर और एप्लीकेशन 10 मार्क्स, स्टोरी 10 मार्क्स, रेफरेंस कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन 5 मार्क्स, पंक्चुएशन 5 मार्क्स, पेयर ऑफ वर्ड्स 5 मार्क्स और ट्रांसलेट इनटू उर्दू 15 मार्क्स। तो ये 50 का ये पोर्शन है, 50 का ये पोर्शन आपके सामने आ गया, और इस तरीके से आपके 100 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये था मेरा आपका पहला इंटरेक्शन, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी करा दिया और आपको जो मार्क्स की तरतीब थी वो भी मैंने आपको बता दी। सेकेंड लेक्चर में फिर आपसे बातचीत होती है। थैंक यू वेरी मच।